वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 मार्च शनिवार आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। 9 मार्च शनिवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, कौन से लाभ होंगे, कौन से फायदे होंगे और आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा, कितना प्रतिशत भाग्य आपका साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास, सबसे बेहतर। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आज दिनांक 9 मार्च 2024 दिन शनिवार, तिथि की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, 9:08 तक रहेगा और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रही है। आज का अभिजित मुहूर्त का समय 12:13 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। वहीं राहु काल की बात करें तो राहु काल का समय है 9:41 से 11:09 तक रहेगा। दोस्तों इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधा आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं और चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगा पूरे दिन रात। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रिडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत का निराला खेल शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कैरियर में एक नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आपको बखूबी तरीके से निभाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और आज कैरियर में विशेष लाभ होगा। हालांकि माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा लेकिन आज आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना होगा। जी हाँ, क्योंकि उनके सेहत में आज गिरावट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों आज आपको भाग दौड़ अधिक से अधिक करना पड़ सकता है। आज इनकम की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, हालांकि खर्चे बने रहेंगे लेकिन फिर भी इनकम के सोर्स काफ़ी अच्छी रहेगी जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज के दिन बहुत भाग्यशाली रहेगा। हालांकि आज यात्रा के भी योग बन रहे हैं, यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ और मांगलिक रहेगा। आज आपके घर के माहौल में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके कुंडली में धन योग और राजयोग का निर्माण हो रही है, इसलिए आज आपको ज़्यादा लाभ होगा। बस सही कामों को सही समय पर निपटाते चलें, इसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। जी हाँ, लेकिन आपको घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये घटना आपके लिए शुभ रहेगा, ये घटना आपके लिए मांगलिक रहेगा। जी हाँ, आप ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा का ध्यान रखें और ये समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन के इस मोड़ पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। इसलिए दोस्तों आपको इस समय सही डिसीजन लेना होगा, सोच समझकर ही फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो आगे चलकर आप ही को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, आज आपको शारीरिक रूप से थकाने वाले काम करने होंगे और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय को बेहतर परफॉर्म में हैं और सभी एथलेटिक
और खेलों संबंधित गतिविधियों में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। आप काफ़ी मेहनत करते हैं और सफलता से जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि जब तक आहार का ध्यान रखेंगे, इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप प्यार में आक्रामक हो सकते हैं। आप ये सुनिश्चित करें कि आप अपने अहंकार को दूर रखने का प्रयास करें, जी हाँ, ताकि आप अपने जो है संबंधों का पूरा आनंद ले सकें। हालांकि आपके साथी को आपका ये नया रूप जो है पसंद आएगा और आपके नए आत्मविश्वास के संचार का आनंद भी आएगा। सुनिश्चित करें कि इस अवसर का आप पूरा लाभ उठाएं और इस समय का आनंद लें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इस तरह का जो है शुभ संकेत और ग्रह सितारे बार बार नहीं बनते हैं। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, भरपूर आनंद लें। आज आप जो है भाग्य सट्टा उद्यम एवं इससे जुड़ी चीज़ों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज का दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप उचित निर्णय ले पाएंगे। जी हाँ, ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज का दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आज के दिन जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, इसमें आपको लाभ होगा और पैसा आपका नहीं फंसेगा। जी हाँ, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज आप पूरा दिन थोड़े से भावुक रहेंगे। जी हाँ, आप जो भी करेंगे पूरे मन से करेंगे और इसीलिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप पिछले कुछ समय से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को टालते आ रहे हैं, लेकिन आज इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर रखकर सुलझाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जी हाँ, आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम करने के लिए रहेगा, जिस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है ये आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता या बढ़ता दिखाई देगा। जैसा भी आप चाह रहे थे, आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और इससे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत को प्रेरणा मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, अब आपका दिमाग पहले से अधिक शांत है। जी हाँ, और आप एक बार नए सिरे से उस गुलाब के रंग के चश्मे वाली जो है लड़की को ढूंढने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, अब की बार आपको जो है और निश्चितता की उस भावना को बचना है जो हर बार आकर आपके जोश को ठंडा कर देती है। प्यार के हरियाले बाग में आराम से चलें, अब की बार आप निराश नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, और प्यार के इस आसियाने में खुशी रह पाएंगे। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सफलता सीधे सीधे आपकी कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जी हाँ, आज का दिन पदोन्नति या जो है अधिक जिम्मेदारी लेने के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श आरंभ करने के लिए उपयुक्त समय है। जी हाँ, आपको इस बहुत ही अनुकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर समय हर संभव जो है तत्पर रहना होगा। जी हाँ, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो ये खुशखबरी आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो इंसान घमंड करता है भगवान उससे दूर रहता है। जी हाँ, और उसके घर में कभी भी धन दौलत नहीं टिकता है और ना ही उनके घर में वृद्धि होता है। इसलिए दोस्तों, घमंड कभी भी मत करना,
दोस्तों भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है, भगवान देना भी जानता है और भगवान लेना भी जानता है। इसलिए भगवान के सामने कभी भी घमंड मत करना, और भगवान किसी भी रूप में आ सकता है और किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद चाहिए, भगवान शनिदेव जी का साथ चाहिए, तो दोस्तों सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और काली चीज़ों का यथासंभव दान पुण्य जरूर करें। जो भी काला चीज़ है ज़रूरतमंदों को आप दान दे सकते हैं, इससे भगवान शनिदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जला सकें, उसमें काले तिल डालकर, तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका भाग्य ही खिलखिला उठेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका भाग्य ही पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिए को आपको संध्या के समय पीपल के सामने, पीपल के नीचे जलाना है। जी हाँ, और जलाने के बाद वापस घर आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जैसे दिया जलेगा वैसे वैसे आपकी जिंदगी में उजाला होगा। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कारिक उपाय बहुत ही छोटा है, इसमें आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना होगा, बिल्कुल भी आपका कोई पूंजी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जिंदगी का असली सुख प्राप्त करने के लिए तैयार रहना। देखिए दोस्तों, अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से दूर रहें। आपको ये जानकर असरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते हैं वही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके बारे में लोगों को जानकारियां वही दे रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगी। उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें, कोई नज़दीकी दोस्त आपका साथ देगा, ये दोस्त आपका जीवन साथी या माता पिता भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई आपके साथ छल कपट, कोई धोखाधड़ी कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें घरेलू नुस्खों से दवा तैयार करने के बारे में दोस्त के साथ बात करें, उनसे भी विचार जानें। आप इस बारे में कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। बदलते मौसम के साथ आसमानी से रूखी हो जाने वाली अपने चेहरे की त्वचा को सुंदर बनाने के लिए फेस कैप बनाते हुए जो है लेवेंडर आयल या फिर ओलियाइटी ट्री का प्रयोग करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने के लिए अति उत्तम का समय है। जी हाँ, बच्चों की गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, पूरे दिन बिजी रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या खेलकूद में भाग ले रहा हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने माता पिता के घर पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। अगर वे कहीं दूर रहते हैं, आपके नज़दीकी रिश्तेदार आपकी लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना करेंगे। जी हाँ, आज के दिन आपका जोर निवेश और धन पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने आप पर नियंत्रण रखें। आज के दिन संपत्ति के बारे में खोज खबर कर सकते हैं, पर किसी भी तरह की धन वृद्धि उत्तम में ना फंसें। वेतन वृद्धि के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव न डालें, इसके लिए जो है अभी समय अच्छा नहीं है। जी हाँ, आपके लिए उत्तम रहेगा कि अपने वर्तमान संगठन में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है लाल कलर और शुभ अंक है 5। दोस्तों भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 85%। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रदान करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।